इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज फॉर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रिक्टेंगल रिक्टेंगल इस तरह की शेप होती है चार कोनों वाली जिसके आमने सामने वाली साइड्स की लेंथ बराबर होती है और जैसे कि ये वाली जो दो साइड्स हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर होगी और इन दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी तो रिक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा इसकी बाउंड्री ये जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर और इसका एरिया क्या होता है इस रेक्टेंगल ने जितनी जगह ली हुई होती है ये सारा इसका एरिया होता है तो इस वीडियो में हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर और एरिया के फार्मूलाज को फाइंड करना सीखेंगे तो पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है लंबी वाली साइड वो एल से हमने शो की हुई है और ब्रेथ यानी उसकी जो चौड़ाई है उसे बी लिखा हुआ है तो जैसा कि हम जाते हैं कि रिक्टेंगल के आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं ये बिल्कुल बराबर होती हैं यानी ये जो साइड है अगर ये एल के बराबर है तो इसकी लेंथ भी एल होगी इसी तरह से अगर ये साइड इसकी लेंथ बी है तो इसकी लेंथ भी बी होगी एल की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है इसी तरह से बी की जगह पर भी हम कोई भी चौड़ाई इसकी दे सकते हैं तो पैरीमीटर क्या होता है इसकी सारी बाउंड्री की लेंथ को हम जमा करते हैं यानी लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ तो हमने क्या किया हमने इन सारी साइड्स की लेंथ को जमा कर दिया तो ये हमारे पास बन जाएगा पेरीमीटर तो पेरीमीटर आ रहा है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ तो अब यहाँ से हमने रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला फाइंड करना है क्योंकि हर बार हम इन सारी लेंथ्स को जमा नहीं कर सकते तो यहाँ पर लेंथ और लेंथ बिल्कुल सेम होंगे तो इन्हें हम इकट्ठा लिख लेते हैं इसी तरह से ब्रेथ और ब्रेथ बिल्कुल सेम होंगे एक ही नंबर होगा इन्हें हम इकट्ठा लिखते हैं अब लेंथ और लेंथ दो बार लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाय एल इसी तरह से ये जो चीज़ है लेंथ प्लस लेंथ तो जब भी कोई चीज़ एक एक ही चीज़ बार बार जमा हो रही हो तो हम उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके बाद ये वाला प्लस लिखेंगे और ब्रेथ प्लस ब्रेथ क्या होगा टू मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी टू टाइम्स ब्रेथ है दो बार ब्रेथ है इसलिए हम इसको यूं लिख रहे हैं तो अब अगर हम यहां से देखें तो लेंथ के साथ भी टू मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रेथ के साथ भी टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ओपोज़िट इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह से कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक नंबर हो A, वो मल्टीप्लाई हो रहा हो बी प्लस सी के साथ तो हम क्या करते हैं ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और सी के साथ भी तो यह आ जाता है ए मल्टीप्लाई बाय बी और ए मल्टीप्लाई बाय सी और दरमियान में ये वाला निशान आता है प्लस का तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो चीज़ है वो इस जैसी बन रही है तो अगर हम इसके ओपोजिट जाएँ तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिख दिया टू को कॉमन ले लिया इकट्ठा लिख लिया और लेंथ प्लस ब्रेथ तो अब ये हमारे पास आ गया है पेरी का फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल का ये फार्मूला होता है यानी इसकी मदद से हम किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइन कर सकते हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल हमें ये रेक्टेंगल दी गई है और इसकी जो लेंथ है वो है फाइव सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है थ्री सेंटीमीटर तो हम इसे लिखेंगे एल इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर और बी यानी ब्रेथ इक्वल्स टू थ्री सेंटीमीटर और फिर उसके बाद आ जाएगा इसका फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल अब यहां पर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ अब इसमें हम वैल्यूज स्पुट कर लेते हैं तो टू एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है फाइव सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है थ्री सेंटीमीटर अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर है फाइव सेंटीमीटर प्लस थ्री सेंटीमीटर तो ये आ जाएगा एट सेंटीमीटर और उसके बाद हमने टू से मल्टीप्लाई करना है एट सेंटीमीटर को टू एटर सिक्सटीन और इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर तो इस तरह से हम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए रिक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रिक्टेंगल की तो अगर इस तरह से हमें एक रिक्टेंगल दी गई हो जिसकी लेंथ हो फाइव सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ हो थ्री सेंटीमीटर तो हमने इसका एरिया यानी कितनी सी जगह ली हुई है ये देखना हो तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं उसके लिए हम इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं जिनका एरिया होता है वन स्क्वायर यूनिट और उनकी एक साइड होती है वन यूनिट के बराबर अब यहाँ पर यूनिट है थ्री सेंटीमीटर तो इसका मतलब है कि अब हम जो ब्लॉक यहाँ इस्तेमाल करेंगे उनका एरिया होगा वन स्क्वेयर सेंटीमीटर तो हम इस रेक्टेंगल के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स रखना शुरू करेंगे यहाँ पर थ्री सेंटीमीटर है और इस ब्लॉक की ये जो लेंथ है ये है वन सेंटीमीटर तो हमें यहाँ पर तीन ब्लॉक्स रखने होंगे क्योंकि हमें थ्री सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए और इन ब्लॉक्स को हमने इस तरह से रखना है कि एक दूसरे के ऊपर भी ना आए और इनके दरमियान में कोई गैप भी ना हो बिल्कुल साथ साथ जोड़ के रखने हैं अब इस साइड के साथ हमने तीन ब्लॉक्स रख लिए हैं और ये जो लेंथ है ये है फाइव सेंटीमीटर इसका मतलब है कि ये वाली जो लेंथ है ये भी फाइव सेंटीमीटर होगी अब यहाँ पर हम रखेंगे फाइव ब्लॉक्स तो ये वन टू थ्री फोर और फाइव और इसी तरह से अब हम बाकी रेक्टेंगल को फिल कर लेंगे तो अब हम जानते हैं कि जो एक ब्लॉक है इसका एरिया हमें पता है वन स्क्वेयर यूनिट तो दो ब्लॉक्स का एरिया कितना होगा टू स्क्वेयर यूनिट्स तो टोटल ये कितने ब्लॉक्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन तो ये हैं फिफ्टीन ब्लॉक्स या फिफ्टीन स्क्यर यूनिट्स तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या होगा फिफ्टीन स्क्वेयर सेंटीमीटर्स इस तरह से हम रेक्टेंगल के पार्ट्स बनाते हैं यानी अगर थ्री सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए तो हम यहाँ से तीन ब्लॉक्स रखते हैं और यहाँ पर फाइव ब्लॉक्स रखेंगे लेकिन इसको हम एक और तरीके से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं वो ये है कि इन ब्लॉक्स को काउंट करने के लिए हम रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी ये कितनी रोज़ हैं वन टू थ्री रोज़ हैं और वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कॉलम्स हैं तो इसे हम लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि थ्री फाइव आर फिफ्टीन ब्लॉक्स हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम थ्री क्या है उसकी ब्रेथ और फाइव क्या है उसकी लेंथ तो अगर हमने एरिया ऑफ रिक्टेंगल फाइंड करना हो तो हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रेथ के साथ या पहले हम ब्रेथ भी लिख सकते हैं ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ तो यहाँ से भी हमें डायरेक्ट एरिया पता चल जाता है तो लेंथ कितनी है फाइव सेंटीमीटर और ब्रेथ है थ्री सेंटीमीटर तो फाइव थ्री हार फिफ्टीन सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह बन जाएगा स्क्वेयर सेंटीमीटर तो इस तरह से भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ अ रिक्टेंगल तो जब भी हमें रेक्टेंगल दी गई होगी उसकी लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा तो अगर हमें इस तरह की रेक्टेंगल दी गई हो और ये उसकी लेंथ और ये उसकी ब्रेथ हो तो उसका पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ और उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ तो आज हमने पढ़ा फार्मूलाज फॉर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल